आज के मार्केट क्लोजिंग पर IRCTC के शेयर्स की प्राइस 6% से ज्यादा गिर चुकी हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर IRCTC के शेयर होल्डिंग को लेकर आपको क्या करना है, शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है या शेयर्स को सेल करना है। और अगर आप लोग IRCTC के शेयर्स के इस ग्राफ को देखेंगे तो एक हफ्ते में IRCTC के शेयर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में भी इस कंपनी के शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर अचानक से क्या होगा कि एक दिन में इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 6% से ज्यादा गिर चुकी है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी बताने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और अगर आपने IRCTC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर दो लाइक शेयर, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। होप करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। अगर आप लोगों ने कल के मार्केट को ट्रैक किया था तो आपको पता ही होगा, और अगर आपने ट्रैक नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। कल मार्केट में IRCTC से जुड़ी एक खबर आई थी जहाँ पर ये क्लियर मेंशन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने IRCTC के 5% स्टेक को ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IRCTC के अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम कर रही है, और यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू रखी गई है 680 रुपए। और अगर IRCTC के करंट शेयर्स की प्राइस की बात की जाए तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस चल रहे हैं 687 रुपीज पर। और IRCTC में आज के मैसिव 6% के डाउनफॉल को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2 दिनों में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी नीचे जा सकती है। देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि जब भी कोई भी कंपनी के मेजर स्टेक्स को सेल करता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी के साथ साथ उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स भी मार्केट में बढ़ जाते हैं। और मैसिव सेल ऑफ की वजह से मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स की डिमांड धीरे धीरे कम होती है, और मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में मैसिव सेलिंग आने की वजह से शेयर्स की डिमांड कम होने लगती है और सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरती है। और यही सेम चीज हुई है IRCTC के शेयर्स के साथ। अब सेंटर 5% की अपनी स्टेक को बेचने वाली है ऑफर फॉर सेल के थ्रू, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी है। लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको IRCTC के शेयर्स के साथ करना क्या है। अगर आपने IRCTC के शेयर्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेचने पर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के स्टेक को होल्ड करना है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपको यहाँ पर बेच देना है। और अगर आप एक नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं IRCTC के शेयर्स में तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि हाल फिलहाल में IRCTC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि आने वाले हफ्ते तक IRCTC के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि IRCTC के शेयर्स में जो ऑफर फॉर सेल है वो आज से स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर एनालिसिस ये कहता है कि आने वाले 2 से 3 दिन या एक हफ्ते तक कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर सकती है, तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बाय द वे, अगर आप IRCTC के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो।